This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad. गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल सुल्तान बाजार के यहाँ हूँ। यह हॉस्पिटल को मैं अक्सर आते रहता हूँ, एक कॉमन मैन के वैसा। कभी हम फ्रूट्स वगैरह बाहर दे के जाते हैं, मिल्क वगैरह। तो जब से ये COVID-19 स्टार्ट हुआ है, मैं रेगुलर विजिटर टू ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर कोई आज के दौर में कोरोना वायरस में कोई लड़ रहा है, आपको कोई बचा रहा है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद में प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में अगर कोई बचा रहा है, ज़मीन पे अगर कोई काम कर रहा है, तो वो डॉक्टर्स है एंड मेडिकल स्टाफ, नर्सेस, आपके वार्ड वाइज, हेल्थ सेक्शन के जितने लोग हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। वर्ल्ड का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो कई डॉक्टर्स मर गए बचाते हुए। उनके फैमिलीज़ जो है उनकी मौत पे गम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गर्व कर रहे हैं कि। तो अक्सर जैसा सरहद पे लड़ते हुए कोई फौजी शहीद होता तो हमको एक फ़ख्र होता, हम उसकी फ़ोटो लगाते, हम उसको फैमिली को उसको वो करते। तो ये डॉक्टर्स का भी ये पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसा ही है। मेरे फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं, मेरा खुद भतीजा जो है डॉक्टर नेहात COVID-19 वार्ड में काम कर रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल में हम जब भी जा रहे थे तो ऐसा तो गवर्नमेंट जितना हो सकता कर रही है, हर गवर्नमेंट करती है। एवरी गवर्नमेंट का मेडिकल जो है प्रायोरिटी रहता है पब्लिक के लिए। तो एक व्हील चेयर्स की बहुत कमी पड़ रही थी वहाँ पर, हालांकि कई लोग गवर्नमेंट भी दे रही, पब्लिक भी डोनेशन कर रही। तो हम एक स्टार्ट किए कि व्हाई नॉट वी गिव व्हील चेयर्स एंड स्ट्रेचर्स एंड बेड्स टू दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। व्हाट वी डिड के या गांधी एंड आई वाज सीइंग दैट देर वर नो व्हील चेयर्स एंड स्ट्रेचर्स स्पेशली टू शिफ्ट द पेशेंट्स फ्रॉम दी आउट पेशेंट ब्लॉक। वी हैव टू टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी एंड फ्रॉम इमरजेंसी टू एनी examination like X-ray, chest and all that. So because if I do anything, many people who are followers of me and I know many entrepreneurs, I know many industrialist people. मेरे बड़े बुजुर्ग जो है हमारे अब्दुल जब्बार खान साहब के ताल्लुक से ये है कि इनके पास कोई चंदा या धंधा नहीं है, सोली इंडिपेंडेंटली जो भी है करते। अक्सर आप लोग देखते हैं मेरे फेसबुक के ज़रिए, जो बच्चे SSC पास होते और जो बच्चे इंटर पास होते हैं अपनी गाड़ी पे जाके पूरा वो करते। तो ऐसे कोई चीज़ से जब्बार भाई से भी हमारी गुफ्तगू हुई कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में अगर कुछ चीज़ हम मदद करेंगे तो एक तो वी आर सल्यूटिंग दी सर्विसेज ऑफ दी गवर्नमेंट डॉक्टर्स, जैसा हमारे सुपरिटेंडेंट मैडम यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके काम से मैं मुतासिर होकर ये दे रहा हूँ। यहाँ जो डॉक्टर्स वार्ड वाइज जितने भी लोग हैं उनकी सर्विसेज को सल्यूट करने के लिए ये चीज़ हम दे रहे हैं। कोई किसी पे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए। और मैं गुजारिश करूँगा, जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि आज के दौर में एक एक व्हील चेयर एक एक इंडिविजुअल दें, हर फैमिली से एक एक व्हील चेयर, एक एक स्ट्रेचर, एक एक बेड अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को डोनेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। आजकल जो है एक शादी में 1-1 करोड़ रुपये खर्चा कर दे रहे हैं, एक फंक्शन में 50-50 लाख रुपए खर्चा कर दे रहे हैं। हम जिंदा रहेंगे तो ये सब करेंगे। माई रिक्वेस्ट टू ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन एंड आई पर्सनली थैंक सुपरिटेंडेंट मैडम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैटरनिटी हॉस्पिटल। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सो मच ऑफ बिग काइंड हार्टेड एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अब्दुल जब्बार खान, हु इज़ अ वेरी मैन ऑफ द डे टू डे एंड ही हैज़ गिवन अस generously 10 beds and wheelchairs without asking him. That's shows his greatness and kindness. And a special thanks to the spokesperson, and he has done a very tremendous work. Though in my absence he has come and he has inquired with all my officials, and he made this program very successful, and he facilitated all the requirements what we need, and he also is doing good work by donating some of the This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad.